हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश टर्म 2 का सिलेबस। तो शुरू करते हैं हमारे टर्म 2 के सिलेबस से। यहाँ पर हमें रीडिंग सेक्शन से दो टाइप के पैसेजेस दिए जाएंगे जिनका वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को ज़रूर देखो। पैसेज को कैसे सॉल्व करना है ईजिली ट्रिक आपको बताई हुई है मैंने, और फुल मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे उसको देख सकते हो आप। नेक्स्ट है राइटिंग सेक्शन के अंदर डायरी एंट्री बताई गई है, फिर स्टोरी राइटिंग के ऊपर हमें बताया गया है। फिर आ जाते हैं ग्रामर के ऊपर। ग्रामर के अंदर टेंसेस, मतलब टर्म वन वाला ही सिलेबस रिपीट है। टेंसेस हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, मॉडल्स ना कि मोडल्स, डिटर माइनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड एंड रिक्वेस्ट्स, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस। अब लिटरेचर की बात करते हैं। लिटरेचर के अंदर मोमेंट्स बुक से वेदरिंग द स्टॉर्म इन रिज्मा, द लास्ट लीफ, अ हाउस इज नॉट अ होम, द बैगर, और बिहाइव से पैकिंग आ रहा है, रीच फॉर द टॉप आ रहा है, द बॉन्ड ऑफ लव आ रहा है, इफ आई वर यू चैप्टर आ रहा है। पोएम्स में से आ रही है नो मैन आर फॉरेन, ऑन किलिंग अ ट्री, द स्नेक ट्राइंग। अब यहाँ पर जो पेपर है क्या वो MCQ बेस्ड होगा? नहीं, MCQ बेस्ड नहीं होगा। इस बार आपका रिटन के अंदर होने वाला है एग्जाम, तो राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर कर ले। पैटर्न क्या रहने वाला है? रीडिंग आपका जो है रीडिंग सेक्शन 10 मार्क्स का आएगा, राइटिंग और ग्रामर 10 मार्क्स की, लिटरेचर 20 की, टोटल आपका 40 मार्क्स का आएगा पेपर। इंटरनल असेसमेंट के 10 मार्क्स होंगे, ग्रैंड टोटल इस बार आपको 50 मार्क्स में से मिलेंगे जो भी हैं। अब बात करते हैं कि ग्रामर के ये इतने सारे टॉपिक्स कहाँ से कवर करने हैं और ईजिली कैसे कर सकते हो। तो आपको मनु का ज्ञान चैनल पर जाना है, सिंपली आपको नीचे आते जाना है। अगर क्लास 9th की कोई भी वीडियो देखनी है जैसे बिहाइव या मोमेंट्स में से, तो इन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। न्यू वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू टर्म 2, उन्हें भी देख सकते हो। आगे चलते हैं हम लोग। ये नीचे जाके सबसे लास्ट में आपको ग्रामर के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे अपने, अकॉर्डिंग टू आपकी 9th क्लास के ही ये टॉपिक्स डले हुए हैं, ठीक है। ये देख सकते हो कि जैसे हमारा टेंसेज है, तो टेंसेज आपको यहाँ पर नीचे कहीं ना कहीं पर मिल जाएगा। यार टेंसेस दे रखा है मैंने। नेक्स्ट है ये देखो, सबसे शॉर्ट में मैंने 31 मिनट्स में जो टॉपिक आपका था कवर कर रखा है। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड ये भी मिल जाएगा आपको, जिसको हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोलते हैं, तो ये भी आपका यहाँ कहीं पे गिरा सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। तो ये सारी चीज़ें मैंने अवेलेबल करा दी हैं आपको। मॉडल्स देख सकते हो, ये रहे मॉडल्स, यहाँ से आप मॉडल्स कंप्लीट कर सकते हो। डिटरमाइनर्स, ये रहे डिटरमाइनर्स। नेक्स्ट आ जाओ आप कमांड एंड रिक्वेस्ट के ऊपर। कमांड एंड रिक्वेस्ट भी ईच एंड एवरी टॉपिक के ऊपर वीडियो है, यहाँ से आप कवर कर सकते हो, बहुत अच्छे से समझ सकते हो। दूसरी चीज़, बहुत सारे बच्चों को मोमेंट्स, बिहाइव, बिहाइव की जो पोएम्स है वो भी आप सब मेरे चैनल से देख सकते हो। ईजिली 95+ मार्क्स ला सकते हो अगर कुछ भी पढ़ाई नहीं करी। इंग्लिश बहुत मुश्किल लगती है, सिर्फ जो मैं समझा रहा हूँ उसे समझ लो, वीडियो देख लो, इसके अंदर जो मैंने आपको क्वेश्चंस पूछे हैं उनको सॉल्व कर लो, क्वेश्चंस को बना लो, फुल मार्क्स आना गारंटी है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको टाइम टेबल चाहिए कैसे कम टाइम के अंदर, मतलब मैं बता रहा हूँ कि 10 डेज़ के अंदर भी ये पूरा सिलेबस कर सकते हो इंग्लिश का और फुल मार्क्स ला सकते हो, कैसे करनी है वो चीज़, अगर आपको जाननी है तो कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, जिससे कि मुझे पता चले कि इस चीज़ के ऊपर भी, इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाना है। मैं आपके लिए एक टाइम टेबल बेस्ड और कैसे हमें फास्टली 15 डेज़ के अंदर पूरा सिलेबस करना है और फुल मार्क्स लाने हैं वो भी आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर कर दूंगा।